हाय गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? गाइज़ बहुत दिन हो गए, वीडियो को अभी तक नहीं लेके आ पाया मैं। कोई दिक्कत नहीं है गाइज़, आज मैं वीडियो ले आया हूँ। पिछले महीने का दिखा दूंगा, PNL कितना हुआ है, इस महीने कितना हुआ है। जो लोग सेल कर रहे हैं, कई लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि कई लोग मुझसे सीख भी रहे हैं साथ में, ठीक है। और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी दिक्कत आई है पिछले महीने में, इस महीने में। और एक और न्यूज़, एक्सपायरीज भी ख़त्म हो रही हैं। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पर उससे, ठीक है, मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी वो देखेंगे। उससे पहले मैं PNL ज़रूर शेयर करता हूँ कि इस महीने अक्टूबर में अभी तक 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक क्या हुआ है, और अभी आने वाले टाइम में यानी पीछे जो सितंबर निकला है गाइस, मेरा ज़्यादा खास नहीं गया, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या निकला है, कितना परसेंटेज मैंने ग्रोथ किया है उसमें, ठीक है। तो आप लोग कितना निकाल रहे हो, कितना नहीं निकाल पा रहे हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। मैं अपना मेल भी दे दूंगा, किसी कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हो किसी चीज़ को पूछने के लिए, ठीक है, या फिर मुझसे सीखने के लिए। तो गाइज़ अभी देखते हैं कि किस तरीके से पिछले महीने और इस महीने रहा है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक अकाउंट है, दोनों अकाउंट के ऊपर बात करूँगा, ठीक है, दो अकाउंट में मैनेज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि अक्टूबर का, अक्टूबर नहीं, पहले सितंबर देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो सितंबर में 1 तारीख से लेके अपना 30 तारीख तक का, ठीक है, स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सितंबर, पहले सितंबर देखेंगे फिर अक्टूबर देखेंगे कि कितना हुआ, क्योंकि पिछले महीने का भी मैंने अपडेट दे नहीं पाया। आज तो अच्छा हुआ, मॉर्निंग में मैं वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि मुझे आज भी जाना है, आज भी नहीं बन पाती वीडियो, पता लगे आज भी दिक्कत हो जाती। तो पहले ये देख लेता हूँ कि मैं 1 से लेकर 30 तक हमने कितना किया है, ठीक है, 1,01,000, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, पिछला महीना जैसा भी निकाला ठीक है, बट ये बहुत अच्छे रेट पर जा सकता था, मतलब बहुत बड़े प्रॉफिट पर, बट मुझे एक दिन लॉस हुआ, ठीक ठाक हुआ, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। और ये 1,01,000, इट मीन्स 5% के आसपास रिटर्न जनरेट किया, 20 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले महीने 1 लाख का प्रॉफिट रहा है, 5% जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, जितना भी है हमारा जो मंथ है ग्रीन में है, और अच्छा ग्रीन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस महीने की बात करूँ तो अक्टूबर की, अक्टूबर में अभी तक, ये अक्टूबर ही है, 1 से लेकर 20, 20 तारीख हुई है अभी, अक्टूबर में हमने कितना निकाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 60,000 ये हम देखेंगे, ये तो ग्रॉस है, 60,000 अभी तक निकाला है। लेकिन एक ख़ास बात अक्टूबर में यह है, 60,000 नहीं है ये, इससे ज़्यादा है, क्योंकि अभी इसमें ट्रेड ही कुछ दिन हुई है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कितने दिन ट्रेड हुआ है, देखो 3 दिन ही ट्रेड हुआ है, ठीक है, एक दिन यहाँ पे हुआ है ट्रेड, एक दिन यह हुआ है और एक दिन ये हुआ है, ठीक है। तो 3 दिन ही ट्रेड हुआ है इसके अंदर, तो उसमें 60,000 है, ठीक है। और जो क्योंकि यहाँ से अकाउंट को चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है, तो उस अकाउंट का भी दिखा देता हूँ, 60,000 इसमें अक्टूबर में, सितंबर में 1 लाख था, 60,000 मतलब 3% तो बन गया था इसमें, 3% के बाद जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो दिखाता हूँ कि कितना है कितना नहीं है, इसको हटा करके, एक लाख 8,000 का प्रॉफिट हुआ है इसमें अभी तक, इसी महीने ट्रेड शुरू किया है इस अकाउंट में, ठीक है। और डेली बेसिस पे देख लेते हैं तो ये 3 तारीख तक हमने उसमें किया, उसके बाद अकाउंट छोड़ दिया, फिर एक दिन लॉस हो गया इसमें 7th को, उसके बाद हर एक दिन प्रॉफिट हुआ इसमें, चाहे छोटा चाहे बड़ा, ठीक है। इसी वजह से 1,08,000 यानी 1,09,000 मान लेते हैं, और उधर 60,000 यानी अराउंड 70,000, 1,70,000 अभी तक निकल चुका है। अभी भी हमारे पास इस महीने में 9 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, यानी अराउंड 8.5% का रिटर्न जनरेट हो गया है एक अकाउंट में,
ठीक है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि एक अकाउंट में हमारा 8.5% रिटर्न जनरेट हो गया। पिछले महीने 1 लाख था, बहुत ही कम था, 5 ही % निकल पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी देख लेते हैं दूसरे अकाउंट पे, बात करते हो कि दूसरे अकाउंट में कितना निकला है। तो गाइस इस वाले अकाउंट में 1,26,000 का प्रॉफिट है और अराउंड 6% बैठ रहा है, 6.625% है ना, 20 लाख का ये भी अकाउंट है। डेली बेसिस में देखूँ तो इसमें भी एक ही दिन हमें लॉस हुआ है, बाकी सभी दिन प्रॉफिट है। एक ही दिन हमें लॉस हुआ है इस वाले अकाउंट में, अभी भी नॉट ट्रेडिंग सेशन बाकी है। उसमें 1,70,000, इसमें 1,26,000 है। देखता हूँ, टारगेट है कि उसको 2 लाख से ऊपर ही मेंटेन किया जाए, 10% अचीव हो जाएगा 2 लाख से ऊपर जाते ही, 2,20,000-2.5 लाख तक। और इसको मैं चाहूँगा कि 1,80,000-90,000 तक या 2 लाख तक ये भी चले जाए, तो हमारा 10-10% दोनों अकाउंट में निकल जाएगा और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, पिछले मंथ जो नहीं हो पाया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है इस महीने का, ठीक है, अक्टूबर का जो अभी तक चल रहा है ना, मैं अपडेट नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी, बट ये है कि रिटर्न जनरेट होते हैं गाइस, सेलिंग से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, मार्केट में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट थोड़ा ज़्यादा, बट फिर भी मैं रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ ड्यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करिए, सेलिंग में प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए, बहुत सारे स्किल्स चाहिए। ठीक है, वो आपको नहीं पता तो आप मुझे मेल कर सकते हो सीखने के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ गाइज अभी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लॉट्स चेंज कर दिए, लॉट्स से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ वी आर सेलर, हमें तो मेरे तो सेम क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, फंड वही सेम, बट फ़र्क जिससे पड़ने वाला है वो हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने बैंक निफ्टी को शिफ्ट कर दिया, जो कि यार बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे। बैंक निफ्टी को मंथली एक्सपायरी में कर दिया और निफ्टी को कर दिया है वीकली में। मैं भी निफ्टी में काम नहीं करता, मुझे थोड़ा सा सेट होने में टाइम लग सकता है, मे बी अगले मंथ से। ठीक है, देखेंगे, बट जैसा भी होगा अपडेट तो मैं दूंगा ही कि कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, क्या मुझ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बस इसी से एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बस बैंक निफ्टी को इन्होंने खिसका दिया, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार। सबसे ज़्यादा मैंने जो प्रॉफिट बनाया है बैंक निफ्टी के अंदर है मेरे। ठीक है, बैंक निफ्टी ही शिफ्ट कर देंगे तो यार वही प्रॉफिटेबिलिटी पर देखता हूँ कि क्या असर पड़ता है। वो जो जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग सीखने के लिए गाइज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और जिसको भी जानना हो, सीखना हो, अच्छे से सीखो गाइज, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की इसलिए मेरा कोई भी महीना बेकार नहीं जाता। बेकार मतलब बेकार इस तरीके से जाता है, रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं बट कभी भी रेड में नहीं जाता। ठीक है, तो यही है, ग्रीन में जाएगा तो बहुत अच्छा ग्रीन होगा, थोड़ा कम ग्रीन होगा, ऐसा ही चलता है, लेकिन कभी भी लॉस में नहीं जाता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कोई महीना आएगा तो मैं उसके लिए प्रिपेयर जरूर हूँ अगर लॉस में जाता है। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर रखो कि हाँ लॉस में भी, लॉस भी आ सकता है, बट अभी तक तो आया नहीं है। बहुत ईयर बहुत ही बढ़िया जा रहा है, 2 महीने और इस ईयर में जो मेरा टारगेट था, मे बी मैं उसको अचीव कर लूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे जो मैंने गोल्स बनाए थे, लेट्स सी गाइस होते हैं या नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी आऊँगा इस बार वीडियो लेके। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए गाइस, तब तक के लिए थोड़ा मोटिवेट करो मुझे, वीडियो मैं बहुत कम लेके आता हूँ, कुछ ऐसी बातें लिख दो जो मेरे दिल पर लग जाए और मैं डेली वीडियो लगाऊँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।